हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज हम लोग जिस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी 2022 को, ठीक है, जो कि CBT एग्ज़ाम जो हुआ था CTET का 2021-22 में। तो आज हम लोग 4 जनवरी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के चारों कोने में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट दिया गया, तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ एक वर्ड दिया गया है सीमा। अब ये सीमा से पता नहीं चल रहा है कि उसका भुजाओं की माप दिया गया है, भुजा की माप है या उसकी परिमाप है। तो आप ध्यान रखिए कि जब जब आपको सीमा वर्ड मिले तो आप समझेंगे कि ये परिमाप है। दोस्तों क्या है? परिमाप है, यानी एक वर्ग है इस प्रकार से, इस वर्ग के चारों भुजाओं को जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है? 16। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी चार चार करके होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोला गया है कि एक एक सेंटीमीटर का चारों कोना से काट लिया गया, एक एक सेंटीमीटर का चारों कोना से काट लिया गया वर्ग। अब देखिए इसके सामने हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो यह आकृति कुछ इस प्रकार से बन के दिखेगी आपको, ठीक है। तो एक एक भुजा का है तो चारों साइड एक एक था, यह सब एक एक सेंटीमीटर का होगा। यह जो नया भुजा आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, दोस्तों सब क्या है? एक एक का है। अब जरा जोड़ के देखिए तो कि इसकी सीमा क्या होती है। 4, 5, 6, 6, 4, 10, 11, 12, 4, 16। ओहो गड़ो गया क्या, चार कहाँ बचेगा जी? इसमें तो अब ये तीन ही बचेगा ना, सॉरी तीन कहाँ बचेगा, यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से एक हटा और एक यहाँ से एक हटा, यानी कि इसमें दो बच गया। अब ये दो हो गया, उसी प्रकार से सभी दो दो करके हो जाएंगे, ठीक है, सब दो दो हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना, यहाँ कहीं मिस्टेक नहीं करना। ये पूरा का पूरा दोस्तों चार था, चार में से ये एक कट गया और यहाँ से एक कट गया, तो ये दो ही बचा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी इसकी परिसीमा यानी सीमा अभी भी समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 16 सेंटीमीटर ही है। दोस्तों परसों जो मैंने वीडियो अपलोड किया था CTET का 5 जनवरी का, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग में ये कटिंग वाला सवाल लगभग हर सिटिंग में दिया गया था, तो इस बार भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, आप सभी कोई ट्राई करिए। कहता है 2 तिहाई + -11, 12वां। दोस्तों क्या होगा? 12th। दोस्तों क्या हो गया? 12वां, ठीक है। इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों 2/3 मतलब 1/3 प्लस यहाँ पर x हो गया और बराबर 11/12वां मतलब 11 × 1/12। अगर हम x का मान निकालना चाहें दोस्तों कितना होगा, यहाँ हो गया 11/12 माइनस 2/3, ठीक है। अब देखिए एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 12 होगा एलसीएम। अगर 12 एलसीएम दोस्तों होगा तो यहाँ कितना दोस्तों हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 11 ही रहेगा, क्योंकि 12 से भाग करेंगे एक बार में और ये गुना हो जाएगा 11 से। 3 से काटो दोस्तों कितना होगा बताओ, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 × 8, यानी ये हो जाएगा आपका 3/12, यानी कि 3 × 1/12 लिख सकते हैं। तो 3 × 1/12, 1/12 दोस्तों लिखेंगे 12वां। देखिए 12वां में दोस्तों क्या हो गया, 1/12, तो ये हो गया 12वां। तो 3/12वां कहीं पर है, देखो 3/12वां आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग में से सही कोई सही में कमेंट करना दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आप सही बना पाए थे क्या, एकदम ऑनेस्टी से कमेंट करना कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है, ठीक है, नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, आप जान रहे हैं कि भिन्न से सवाल एलसीएम का तो बपोती है, मैंने समझ आओ कि भिन्न चैप्टर जो है दोस्तों वो सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हर बार क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो देखिए इसमें बांटा कैसे गया है, अदिति का 2/7 और अमल का हो गया 1/6, फरहान का 2/5 है, ठीक है, और जेरी का
जेरी का 1/7 है। तो पहले ये देखते हैं कि इसने कुल कितना बांट दिया है, क्योंकि अब बचा कितना है, मात्र 2 टॉफी बचा हुआ है। देखिए 7 और 7 कॉमन, तो 7 एक उठा लेंगे, 6 यहाँ तो 6 उठा लेंगे, और 5 तो बिल्कुल अलग है अभाज्य, ये भी गुना करना होगा। तो 6 × 5 = 30 × 7 210, 200 कितना आएगा, 210, 6 × 5 = 30 × 7 = 210। एक बार आप ध्यान देखिए कि एलसीएम कैसे निकाले हम। 7 और 7 दोस्तों बराबर है, कॉमन है, तो एक ठो ले लेंगे, और 5 देखिए अभाज्य संख्या वो किसी से नहीं कटता, तो 5 को भी ले लेंगे। 6 तो इन सब में से किसी में कुछ कॉमन मिलेगा, क्योंकि 7 और 5 अभाज्य है, तो 6 किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो 6 को भी ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम 210। अब देखिए 7 से काटेंगे 30 बार में, 30 × 60, 6 से काटते हैं 210 को, अगर 6 से काटोगे तो 6 × 18 = 30, यानी 35 से कटेगा, 35 × 1 = 35। 5 से काटो भाई, 5 से काटोगे तो कटेगा 14 बार में, नहीं 4 × 5 = 20 और 5 × 10 42 से कटेगा जी, 42 × 2 कितना जाएगा 84। 7 से काटो कितना होगा 30 बार में, 30 × 1 = 30। अब सबको जोड़ते हैं, 4, 5, 9, 3, 8, 11, 11, 3, 14, 14 और 6, 20 / 210, यानी कि 209/210 भाग टॉफी उसने बांट दिया। तो जब मर्लिन की माँ ने उसे टॉफी दिया होगा, तो भाई उसको कुल जो हिस्सा होगा ना, उसका कुल हिस्सा होगा 1। तो हम शेष निकाल लेते हैं, पहले शेष कुल भाग में से जितना बांट दिया गया उसको हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, शेष कब निकालते हो, जब एक में से जितना भाग काम में आ गया उसको हटा दो। तो अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, तो कल भी ट्रिक बताए थे आपको हम परसों, एक में जब कोई भिन्न घटे तो इन दोनों में अंतर देख लो। दोस्तों अंतर है 11, है ना, 11 अंतर है, और दोस्तों नीचे कितना, ओहो अंतर है दोस्तों 1 और नीचे है 210, 11 दोस्तों ने 1 है अंतर, और इसी भाग का मान 2 दिया है। क्यों, क्योंकि कहता है कि मर्लिन के पास 2 ही टॉफी बचा है, तो 1/210 भाग बचा हुआ है, जिसका मान उसको कितना मिलता है 2 टॉफी के रूप में। अब यहाँ से 1 × 1 तो 1 भाग आ जाएगा, और 210 × 2 = 420, ये आपका आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, 1 भाग का मान कैसे मान रहे हैं हम लोग कुल, क्योंकि भिन्न में 1 ही सबसे बड़ा मान होता है, कुल होता है, टोटल होता है। तो समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एकदम धैर्य से पढ़िए, और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप तुरंत क्विक करने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें 12 अंडे आते हैं, मैंने एक ट्रे में कितने दोस्तों 12 अंडे हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बच गए, उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे कि 10 ट्रे भरने के बाद अंडा ना बचे। यानी कि 9 ट्रे तो भर चुका है, अब एक ट्रे और भरना है उसको, लेकिन इस ट्रे में 12 अंडा आता है जिसमें से उसके पास अभी 5 अंडा है बचा हुआ है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 7 अंडा और चाहिए उसको, ताकि वो 7, 5, 12 मिला के एक ट्रे को भर दे, और 10 ट्रे पूरा हो जाएगा और उसके पास एक भी अंडा नहीं बचेगा। समझ में दोस्तों आ रहा है।